September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't we? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे गार्डन में जो जो फ्लावर प्लांट्स अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं कि मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर प्लांट्स अभी ग्रो हो रहे हैं। कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं, कुछ सीजनल प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सर्दी में मैंने लगाए थे और अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप जो मेरे प्लांट देख रहे हो ये है मेरा एक एडेनियम प्लांट। ये बहुत पुराना प्लांट है मेरा, 2 साल का, और इसे कटिंग करके मैं एक प्लांट बनाया था। ये देखिए ये भी अभी फ्लावरिंग करना शुरू कर चुका है। इसमें देखिए एक अभी फ्रूट भी लग रहे हैं। और एक एडेनियम प्लांट है मेरे पास, देखिए ये भी मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ और ये भी देखिए अभी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं और इसमें भी कुछ दिनों में फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद ये है मेरा प्लूमेरिया प्लांट है। प्लांट ज़्यादा बड़ा है नहीं लेकिन इस पे देखिए बहुत सुंदर सी अभी फ्लावरिंग चालू हो रहे हैं और कुछ फ्लावर लग भी चुका है। तो दोस्तों इस फ्लावर में थोड़ा स्मेल होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा स्मेल ज़रूर होता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा एक येलो वेराइटी के रोज़ प्लांट है जिसको मैं अभी शेडी एरिया में रख दिया हूँ क्योंकि रोज़ प्लांट ज़्यादा धूप पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, फ्लावरिंग नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ी सी छाँव पर मैं इसको रखा हूँ। इसमें देखिए बर्ड्स भी आ रहे हैं। दोस्तों उसके बाद मैं इस साइड पे जो प्लांट्स दिखा रहा हूँ ये देखिए भड़बीना प्लांट, ये तो सीजनल प्लांट्स है विंटर सीजन वाला, लेकिन देखिए अभी भी इसमें बहुत सुंदर से फ्लावरिंग हो रहे हैं। देखिए ये पिंक वेराइटी है और एक वाइट वेराइटी भी है मेरे पास, लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले फ्लावरिंग कर रहा था लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद ये देखिए मेरे पास जैस्मिन का प्लांट मोगरा, इसमें बहुत सुंदर से धीमी सी खुशबू आते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे बर्ड्स भी आए हैं इसमें आप देख सकते हो। इसके बाद मेरे यहाँ पे और एक प्लांट है वाइट वेराइटी, लेकिन इस प्लांट्स का नाम तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन बेहद खूबसूरत प्लांट है। देखिए इसमें तो वाइट फ्लावर होते हैं और वाइट प्लांट में देखिए नीचे से देखिए पिंक डॉटेड है। तो ये मैंने प्लांट पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही रेयर वेराइटी है, किसी दोस्त ने मुझे दिया था ये इस प्लांट को, तो मैं इसको ग्रो किया हूँ और ये देखिए बहुत ही छोटे से पॉट पे लगा हुआ है। इसके बाद आप देख पा रहे हो सनफ्लावर छोटे वेराइटी है, ये मेरे पास 3 प्लांट है सनफ्लावर का। सामने आप देख पा रहे हो जिनिया प्लांट जिसका फ्लावर बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे भी एक और एक है जो ऑरेंज कलर का है। और यहाँ पर मेरा सेवनी प्लांट है जो अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। उसके बगल में मेरे एक देखिए हिबिस्कस का एक वैरायटी है, हिबिस्कस का हालांकि बहुत सारे वैरायटी है मेरे पास, मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। उसके पास इस साइड पे आप देख सकते हो मेरे कुछ भिंका का प्लांट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बोगनविलिया का प्लांट जिसपे बहुत सुंदर से अभी फ्लावरिंग शुरू हो गया है। और यहाँ पर 2 चांदनी प्लांट जिसको मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ, देखिए कलर के डिब्बे के अंदर लगा हुआ है ये। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए वाइट वेराइटी का ओलियंडर प्लांट, बेहद खूबसूरत है देखने में। अभी तो ये मैं 2 कटिंग लगाया था, देख सकते हो दोनों ही है मेरे पास, एक वाइट वेराइटी और एक रेड वेराइटी का, तो दोनों एक साथ ही मैं लगाया था लेकिन वाइट वेराइटी में देखिए फ्लावर भी चालू हो गए हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी आए हैं प्लांट पर, लेकिन रेड वेराइटी में अभी तक बर्ड्स नहीं आए हैं। तो इसमें भी कुछ दिनों के अंदर ही उम्मीद करता हूँ बर्ड्स आना चालू हो जाएगा और फ्लावरिंग भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे पास एक वाइट वेराइटी का हिबिस्कस है जो बहुत सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है, एक छोटे से पॉट के अंदर लगा हुआ है, शायद 8 इंच का होगा। इसके बाद यहाँ पे एक रेड वेराइटी का हिबिस्कस है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं है। इसके बाद प्लूमेरिया पुदीका का प्लांट है जो देखने में बेहद खूबसूरत है, इसमें देखिए फ्लावरिंग भी चालू हो चुका है, वाइट वेराइटी का है ये। और ये इस प्लांट का खासियत ये है कि इस प्लांट पे जो फ्लावर लगता है बहुत दिन तक रहता है प्लांट पे। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक डबल चांदनी का प्लांट है, देखिए अभी फ्लावरिंग कर रहा है ये, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं इसमें और फ्लावरिंग भी जम के होता है। यहाँ पे मेरे और भी बहुत सारे भिंका प्लांट बहुत सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है। और पीछे आप
देख रहे हो, और एक हिबिस्कस प्लांट। इसका जो कलर देखिए बहुत बेहद अच्छा लगता है, बेहद खूबसूरत है देखिए कलर। इसके बगल में ही है देखिए एलामोंडा का प्लांट, जिसमें अभी तो नए नए से बर्ड्स आना चालू हुआ है, अभी तक फ्लावरिंग ठीक से शुरू नहीं हुआ है, एक या दो ही फ्लावरिंग हुआ है। देखिए बर्ड्स आ रहे हैं प्लांट पे। यहाँ पे देखिए और एक मेरा हिबिस्कस का प्लांट, जिसमें देखिए ये बिग साइज़ वाला है। देखिए बहुत बड़ा जो फ्लावर है, बिग बहुत ही बड़ा होता है और बर्ड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों। इस ये प्लांट, ये हिबिस्कस जो प्लांट आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास पूरे साल भर ही फ्लावरिंग करता है। बाकी हिबिस्कस खाली समर सीजन में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये पूरे साल भर ही फ्लावरिंग करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंचन प्लांट, जो बहुत ही बड़ा हो चुका है, अभी बस्ते के अंदर मैं इसको लगाया हूँ, और देखिए प्लांट पे बर्ड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद मैं कुछ प्लांट्स और दिखाऊंगा जिसको मैं शेडी एरिया में रखा हूँ। पहले ही मैं दिखाना चाहूँगा रोज़ प्लांट। देखिए इसको मैं पहले धूप में था, और जब से मैं इसको छाँव पे रखा हूँ, देखिए बहुत सारे बर्ड्स आना चालू हो गए हैं प्लांट पे। ये देखिए, ये देखिए, ये पिंक वेराइटी है मेरे पास, देसी पिंक। देखिए बहुत सारे बर्ड्स अभी आ रहे हैं, और इसमें पूरे साल भर फ्लावरिंग होता रहता है। और बाकी जो रोज़ आप देख पा रहे हो, ये मेरा इंग्लिश वेराइटी है, इसमें भी फ्लावरिंग चालू कर रहा है। ये भी वेलवेट रोज़ है, रेड कलर का, डीप रेड आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख पा रहे हो, ये तो विंटर सीजन वाला प्लांट है, ये है जेरेनियम प्लांट। देखिए अभी बहुत सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है ये। और मैं यहाँ पे कुछ पोर्चुलेखा और हाइब्रिड भिन का प्लांट लगाया हूँ नए से, ये देख सकते हैं आप, डालिया प्लांट। हालांकि इसमें तो अभी बर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं इसको रख दिया हूँ। ये जो मैं हैंगिंग पॉट लगाया था, इस पर देखिए मैं बहुत सारे अभी मॉस रोज लगा दिया हूँ, और मैं इसमें डायंथस लगा हूँ। डायंथस तो अभी फ्लावरिंग कर रहा है। डायंथस मुझे, मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, डायंथस प्लांट को मैं इस साल ख़रीदा नहीं हूँ, मेरा पुराना प्लांट था पिछले साल वाला, उसी को मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ। बहुत सारा अभी मेरे पास डायंथस प्लांट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो सामने डायंथस प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, और इधर भी आप देख पा रहे हो डायंथस प्लांट लगा हुआ है। और भी मेरे पास है, ये देखिए यहाँ पर भी डायंथस प्लांट लगा हुआ है मेरा। तो दोस्तों ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास मॉस रोज के कुछ प्लांट्स हैं, हैंगिंग किया हूँ मैं इसको। ये देखिए बहुत ही बुशी बन गया है, अभी बहुत सारे फ्लावरिंग आ रहे हैं मेरे प्लांट्स पे। हालांकि एक ही वेराइटी है, और भी बहुत सारे वेराइटी में लाऊंगा इस साल, ग्रो करूंगा। तो दोस्तों ये तो था मेरे कुछ फ्लावर प्लांट्स जो मेरे पास इस समर सीज़न में फ्लावरिंग कर रहे हैं, और कुछ प्लांट्स जो है विंटर सीजन वाले प्लांट्स हैं, वो भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।